Navjot Singh Sidhu has bowled another googly, this time at the Congress party directly. Sidhu has claimed that the new Chief Minister Charanjit Singh Channi has reached out to him for talks, but Sidhu has made it clear he will call the shots. He has taken to social media site Twitter and also spoken about this, adding he will be at the Punjab Bhawan at 3 p.m. today, and if the Chief Minister wants, he can meet him there. It remains to be seen now how the Chief Minister will respond to this counter invitation from Sidhu for talks. But it is, of course, made it very clear by Navjot Singh Sidhu that he's trying to make it clear to the Congress party and its high command that they will have to accommodate his demands if they want to rethink on his resignation. Remember, Channi, when asked about the resignation yesterday of Sidhu, made it clear that the party is supreme and that if required, they will talk. They have already spoken. All of this has to happen without any ego, and that feedback and dialogue was the only way to go. So listen in now to what the Chief Minister had said, and that happened yesterday during the press briefing when he was asked about reaching out to Navjot Singh Sidhu. जो प्रधान होता है पार्टी का वो हेड होता है, तो हेड ने परिवार में बैठकर अपनी मजबूती से बात रखकर अपनी बातों को आगे लेकर आना होता है। सो मैंने आज भी सिद्धू साहब से टेलीफोन पे बात की है कि पार्टी सुप्रीम होती है, सरकार पार्टी की आइडियोलॉजी को मानती है और उसको उसके ऊपर चलती है। आप आओ, बैठकर बात करो, जिस तरीके से आपको कोई गलतियां लग रही हैं वो पहले भी आप कर सकते थे, आप भी कर सकते हो। इसी तरह के शंके शुभा एटलीस्ट मेरे ते थानू लोगों नू, ये आप पंजाब के लोगों नू नहीं होने चाहिए। पारदर्शी सारा कुछ काम होएगा, जो साडे कलीग्स ने यार होर जिथे तो सानू फीडबैक मिली केड़े केड़े लगने चाहिए सी लगाए है, लेकिन पंजाब दे लोकां दे अनुसार ही फैसले होने। जे किसे लगेगा ये नहीं ला इनू ला, मैनू कोई इतराज नहीं है, मेरी कोई ईगो नहीं है किसी भी गल दे विच, मैं बिल्कुल क्लीयर है। जिस गल दे नाल लोकां दे विच कोई दंद चर्चा गलत जांदी है, मैं उस गल तो कदे कोई बजिद नहीं होण नू तैयार। हाँ, लेकिन मेरे जो मसले पंजाब दे लोकां दे जिन्हां वास्ते मैं लड़ाई करदा आ रहा, मैं वो लड़ाई तो पिछे नहीं हटांगा, एक इंच भी गुरु के घर से पिछे नहीं हटांगा। किसी तरह की गिरदारी या किसी तरह की बेईमानी या किसी तरह की करप्शन जिन्हें देर मैं मुख्यमंत्री नहीं होगी, ये मैं बिल्कुल थोड़े विश्वास दे देना चाहूंगा। Mousmi Singh, my colleague, has been in Chandigarh and she's been trying to talk to as many leaders as possible and get an assessment. Who are you with, Mousmi, today around you? Where are you precisely? Do you see this matter escalating or ending? So, you know, there is a lot of buzz because Navjot Singh Sidhu is coming to Chandigarh, and we are joined by Cabinet Minister Rajkumar Virka. He is often known as the Sankat Mochak. Virka sahab, kya hone wala hai? Navjot Singh keh rahe hain ki humko, Singh Sidhu sahab keh rahe hain ki humko, hum aa nahi rahe, hame bulaya gaya hai, nyota diya gaya hai, hum Punjab Bhavan mein rahenge, aana hai to aaiye. ये भाषा है ट्वीट पे। देखिए, बेसिक क्या है कि पार्टी के अंदर कभी कभी मन मुटाव हो जाता है। मैंने पहले भी कहा है कि जब तक राजनीतिक बंदा जो है राजनीति में फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्टमेंट और पेशेंस, ये सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजमी है। और सिद्धू साहब ने जो जल्दबाजी में काम लिया है, और हम चाहते हैं कि सिद्धू साहब अपनी जो, मैं समझता हूँ कि उन्होंने जल्दबाजी में गलती की है, उनको अपनी गलती को सुधारना होगा। इस्तीफा ये दिया है तो जल्दबाजी में नहीं इस्तीफा देना चाहिए उन्हें पार्टी प्लेटफॉर्म पर बैठ के बात करनी चाहिए, उन्हें मुख्यमंत्री के साथ बैठ करके बात करनी चाहिए, और उन्हें इस तरह का बिहेवियर जो है शोभा नहीं देता। सुनने में ये भी आया है कि सुलह हो गई है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ आ रहे हैं, लगातार दो दिन से बिल्कुल मौन व्रत धारण करके बैठे हुए थे अपने घर में, और अब उन्होंने अपना मौन तोड़ा है, तो इस तरह से बोला है कि हम आ रहे हैं, तो सुलह हो गई आपस में। मुझे लगता है कि उन्हें पंजाब हित में मानना चाहिए,
देश हित में मानना चाहिए, कांग्रेस हित में मानना चाहिए। और अब समय जो है वो रूठने मनाने का समय नहीं है, अब इकट्ठे चलने का समय है। पंजाब के लोग आज आपके ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया आप हमारे मसले हल करो, हमारी तकलीफें देखो। हम जो सरकार है वो लोगों की तकलीफों की ओर आगे बढ़ रही है। विकास साहब, अब क्या हुई जब चिड़िया चुग गई खेत? नव कैप्टन अमरिंदर सिंह मिल आए अमित शाह से, हो सकता है प्रधानमंत्री से भी मिल रहे हो, तो आप लोग ने मौका गवा दिया कि नहीं, अब ये बताइए। अरे भैया, खेत भी वही है, चिड़िया भी वही है, ना खेत उड़ेगा ना चिड़िया, सब लोग यही रहेंगे। और कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस में है, कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस में ही रहेंगे, कांग्रेस में ही रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात उससे बात का, अरे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए क्या कोई बीजेपी का आदमी हो जाता है? वो कांग्रेस है, वो देशभक्त है, और बीजेपी देश विरोधी है, पंजाब विरोधी है, किसान विरोधी है। और जो शख्स ये सोचे अगर कि मैं बीजेपी किसे हाथ मिलाऊंगा तो वो पंजाब विरोधी है, देश विरोधी है। अभी तो नवजोत सिंह सिद्धू को देश विरोधी कह रहे हैं कैप्टन साहब की, और राष्ट्रहित के लिए बुरे हैं, और पंजाब में जो स्थिति है वो राष्ट्र सुरक्षा के मद्देनजर बुरी है, ये उन्होंने कहा था। आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी से मिलेगा वो देश। अरे भैया, मुझे पर्सनल तौर पे किसी के ऊपर टिप्पणी ना करनी है, ना उसका जवाब देना है। मुझे सिर्फ दो बातें कहनी है कि पंजाब के लोग ये चाहते हैं कि भैया आप रूठना मनाना बंद करो, आप ये तमाशा बंद करो, और हमारे मसले इकट्ठे होके हल करो। और उनको चाहिए कि जैसे चरणजीत सिंह चन्नी लोगों के मसले हल करें, हम कैबिनेट की मीटिंग एक हफ्ते में चार चार बार बुला रहे हैं ताकि लोगों के मसलों की अनाउंसमेंटें की जा सके। और कल फिर हम कर रहे हैं, कल हमने तमाम लोगों के जो 2 किलोवाट के बिल थे पुराने, वो सारे माफ कर दिए। साहब, आप बहुत मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, कहीं आपस की लड़ाई में केजरीवाल बाजी ना मार ले जाए, लगातार केजरीवाल 2 दिन से यहाँ पे हैं। और फ्रॉड आदमी ने क्या बाजी मारनी, वो बेचारा अपने आप को बचा ले। वो बताएं ये दिल्ली के अंदर कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने फ्रॉड आदमी है वो, बता देना कितने कॉलेज बनाए, कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई दिल्ली के अंदर, कितने स्कूल बनाए दिल्ली में, वाईफाई क्या फ्री कर दिया आपने? मजबूत ऑपोजिशन है आपके यहाँ पंजाब में, तो फ्रॉड होती तो। अरे भैया, आप मौसमी दिल्ली से हो, एक बात मुझे ध्यान से बात बता दो कि दिल्ली के अंदर कितने लोगों को नौकरियां दी, ये आप शाम तक सर्च करके मुझे बताएं। आपके लोग ये समझेंगे कि नहीं, कि कांग्रेस की बात समझेंगे? कांग्रेस की बात समझेंगे, कांग्रेस को ही मानेंगे। अब लड़ना बंद करेंगे तभी तो मानेंगे। बिल्कुल, लड़ना बंद कर दिया, आज से बंद हो जाएगा, सुलह हो जाएगी, सुलह हो जाएगी। और वैसे विरका साहब, हम देश से हैं, दिल्ली से नहीं है, तो यहाँ पे राजकुमार विरका, यू कैन हियर व्हाट ही हैड टू से, इंडिकेटिंग दैट द कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू गेट इट्स एक्ट टुगेदर, एंड आल्सो सेइंग दैट कैप्टन अमरिंदर इज नॉट गोइंग एनीवेयर। यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज लाइक अ ब्रेव फ्रंट दैट कैबिनेट मिनिस्टर्स हियर आर इन पंजाब आर ट्राइंग टू पुट अप पूजा विद द मेस दैट्स गोइंग ऑन इन पंजाब। Well, an absolute mess, and all of this when the party should have got together, taken on all other parties. And as Mosmi is telling us, what if other parties like the Aam Aadmi Party take this as a big opportunity? Mosmi Singh with all the latest there from Punjab. Thank you so much, Mosmi.